गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया पेपर से यूनिट 4। और अभी तक हमने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, लिटरेसी की बात की है। और ये सारे चीज़, ये जो सारे टॉपिक्स है, ये भारत के जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को बताता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स रेशियो, या फिर उसे लिंग अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में लिंग अनुपात या फिर यौन अनुपात, और इंग्लिश में सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो के बारे आप कभी भी सुने हो, आप तो ऑलरेडी सुने ही होंगे। क्या होता है सेक्स रेशियो? वेरी गुड। प्रति हजार सेक्स रेशियो, प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो, नंबर्स ऑफ फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल इन द पॉपुलेशन, नंबर्स ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक है, इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, या एक महत्वपूर्ण सोशल इंडिकेटर है या सामाजिक संकेतक है। और 2011 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वह 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स था, अर्थात 940 महिलाएं 1000 पुरुषों में। ठीक है, जो सेक्स रेशियो है वो है 940 फीमेल्स। 1951 को छोड़कर, 1901 से लेकर 2001 के बीच में सेक्स रेशियो में हमेशा ही गिरावट आया है, हमेशा। 1901 से लेकर 2001 तक हमेशा सेक्स रेशियो में गिरावट ही आया है, लेकिन तीन डेकेड्स को छोड़ के, 1951, 1981 और 2001 को छोड़कर, ये 1901 से लेकर 2001 तक सेक्स रेशियो में गिरावट है। 1991 से लेकर 2001 के बीच, 1991 से 2001 के बीच सेक्स रेशियो में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, 7 लोगों या 7 फीमेल्स की वृद्धि हुई है। 1901 से लेकर 2001 के बीच ये जो लिंग अनुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है, और 2001 से लेकर 11 के बीच में भी 7 अंकों की ही वृद्धि हुई है। लेकिन 1981 टू 91 के बीच 8 नंबर्स की कमी पाई गई है, 81 से 91 के बीच 8 अंकों की कमी पाई गई है। 91 से 2001 में 7 लोगों, 7 फीमेल्स बढ़े हैं, 2001 से लेकर 2011 में भी 11 लोग बढ़े हैं, लेकिन 81 से 91 के बीच 8 अंकों की कमी पाई गई है। ये कम सेक्स रेशियो, या फिर ये जो लो सेक्स रेशियो का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड या फिर स्त्री शिशुओं की मृत्यु दर अधिक होती है, अधिक होती है, दैट मीन्स के डेथ रेट जो है वो अधिक है कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड की तुलना में। और यह
हमेशा हमें डेवलपिंग कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, डेवलपिंग या फिर विकासशील देशों में ही देखने को मिलता है कि ये जो मेल चाइल्ड है उसकी कामना ज़्यादा की जाती है कंपैरिजन टू फीमेल चाइल्ड। अगर किसी से पूछा जाता है तो जहाँ पे रूढ़िवादी परंपराएं हैं वहाँ पर लोग मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर देते हैं कंपैरिजन टू फीमेल चाइल्ड। और क्यों फीमेल चाइल्ड को कम माना जाता है या मेल चाइल्ड को ज़्यादा माना जाता है? क्योंकि मेल चाइल्ड में या फिर पुरुष शिशु में पालन पोषण की अधिक खर्च नहीं होता है, और जो फीमेल चाइल्ड है वो कन्या भ्रूण हत्या, और जैसे ही फीमेल की बर्थ होती है, फीमेल चाइल्ड की बर्थ होती है तो उन्हें मार दिया जाता है, ये सब हम लोग सोसाइटी में देखते हुए आ रहे हैं अभी तक। एट प्रेजेंट तो सेक्स या अगर लिंग ज्ञात का भी कुछ ऑप्शन है तो उसको भी अपराध माना जाता है। अगर कोई सेक्स जानने की कोशिश करता है, लिंग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो यह अपराध माना जाता है। फिर भी जन्म के बाद भी अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको सोशल प्रेशर इतना होता है या फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है, और यह बहुत ही दुखद घटना है, स्पेशली तो भारत में हम लोगों को देखने को मिलता ही है ना? और भारत में राज्य स्तर पर सेक्स रेशियो की बात करें तो लिटरेसी भी हम लोग अलग अलग देखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग देखे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ भी अलग अलग देखे हैं, तो उसी प्रकार सेक्स रेशियो भी भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता है। केरल में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, ये है 10,084 है हर 1,000 मेल में। केरला का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है जो है 10,084, और सबसे कम हरियाणा का है, हरियाणा सबसे कम है जो कि 879 है। हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे कम है 879। अगर यूनियन टेरिटरी में बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुडुचेरी में सेक्स रेशियो सबसे अधिक है, और यह सेक्स रेशियो 1037 है। पुडुचेरी में सेक्स रेशियो 1037 है, और दमन एंड दीव में सबसे कम पाया जाता है, और ये सेक्स रेशियो है 618 पाया जाता है। उसी प्रकार तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991, मेघालय में 989 है, जो ये जो चार स्टेट है या सेक्स रेशियो में संतुलन स्थान रखता है, संतुलित सेक्स रेशियो है। भारत में 16 ऐसे राज्य है, 16 स्टेट्स है और 2 यूनियन टेरिटरीज है जिसमें सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से अधिक है। 16 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी है जो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो है उससे अधिक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में अधिकांश राज्यों में सेक्स रेशियो उच्च है, हाई है। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ इंडिया में अधिकांश राज्यों में सेक्स रेशियो हाई है, ऊंचा है। नॉर्थ इंडिया में केवल हिमाचल प्रदेश जिसका सेक्स रेशियो 972 है,
और उत्तराखंड जिसका सेक्स रेशियो 963 है या नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से अधिक है। नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड है, ये नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से अधिक है। इसके विपरीत हम बात करते हैं मध्य भारत के सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से कम है। इसके विपरीत मध्य भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्स रेशियो नेशनल एवरेज सेक्स रेशियो से कम है। नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में कम सेक्स रेशियो पाया जाता है, लो सेक्स रेशियो पाया जाता है। यह भी कहा जा सकता है कि भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर सेक्स रेशियो में गिरावट आती है, गिरावट देखने को मिली। अगर आप लोग डेटा चेक करो तो साउथ से नॉर्थ की ओर जैसे जैसे मूव करेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर जैसे जैसे मूव करेंगे तो सेक्स रेशियो में गिरावट देखने को मिलता है। उसी प्रकार रूरल एंड अर्बन की बात करें तो देश में रूरल एरिया में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो 947 है। देश के रूरल एरिया की बात करें तो देश में रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में 947 सेक्स रेशियो है। उसी का थोड़ा सा उल्टा अर्बन एरिया में या सेक्स रेशियो कम है, 926 अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो 926 पाया जाता है। अधिकांश स्टेट मतलब मोस्टली स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में यही ट्रेंड देखने को मिलता है। मोस्टली जो स्टेट है यही कि रूरल एरिया में सेक्स रेशियो अधिक है, अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो कम है। अधिकांश राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में यही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, लेकिन मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दिल्ली और चंडीगढ़ में अर्बन एरिया में सेक्स रेशियो अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे, सॉरी ग्रामीण क्षेत्रों के कंपैरिजन। भारत के हर राज्यों और हर केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्स रेशियो रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम है। लेकिन अपवाद है जो कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अर्बन सेक्स रेशियो अधिक है और रूरल सेक्स रेशियो कम है। क्लियर है? और ये जो सेक्स रेशियो जहाँ पर कम है वो क्यों है? क्योंकि मेल एंड फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हमें देखने को मिलता है। और ये जो जितने भी टॉपिक है बेसिकली इंडिया पेपर में, चाहे वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेक्स रेशियो हो, लिटरेसी हो, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपके लाइफ में भी काम आएगा। अगर हम लोगों ने कल लिटरेसी की बात की, आज सेक्स रेशियो की बात की है, आप लोगों को पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग भी ये भेदभाव ना करें, मेल एंड फीमेल में कोई भेदभाव ना करें, ठीक है? तो अगर हर एक इंसान पढ़ा लिखा होगा और
ये जानने की कोशिश करेगा कि ये सब क्यों है, सेक्स रेशियो कहीं पे कम क्यों है, कहीं पे ज़्यादा क्यों है, ठीक है, फीमेल की संख्या अधिक नहीं होने के कम होने का क्या कारण है। जैसे केरल में आप देख रहे हो यहाँ पे लिटरेसी रेट हाई है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया ना, केरल में लिटरेसी रेट हाई है तो सेक्स रेशियो में भी वो हाई है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पर लिटरेसी अधिक है वहाँ पर सेक्स रेशियो भी अधिक है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।